दिशा से कहा कि महिला एवं बालिका विकास संस्थान द्वारा आयोजित किया और मुझे पहुंचने के अंदर 7 घंटे की देरी हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं मातृशक्ति को बधाई देना चाहता हूं कि अपने हक और अधिकार के लिए इस लड़ाई का आगाज आज आपने प्रधानमंत्री की धरती से किया है। हनुमान बेनीवाल, पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे और हमारे सपनों का राजस्थान बढ़े। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि महिलाओं को भी समाज के अंदर हमारी महिला शक्ति उभर के पुरुषों के बराबर लड़ाई लड़ रही है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेके इंदिरा गांधी तक देखोगे तो मजबूत नेतृत्व महिलाओं ने इस देश को दिया और इतिहास के पन्ने महिलाओं की वीरता से अटे पड़े। मां बहन बेटी की भूमिका के साथ साथ आज सेना के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स, एयरफोर्स, पुलिस से लेके जब कोरोना काल था तब कोरोना के अंदर परिवार एक दूसरे से नहीं मिलते थे, भाई भाई से नहीं मिलना था, उस समय नारी शक्ति ने, महिला शक्ति ने मेडिकल ऑफिसर के रूप में और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रूप में सबसे ज्यादा कोरोना वॉरियर के रूप में काम करके विश्व में संदेश दिया कि सृष्टि को बचाने की जहां भी आवश्यकता होगी हम मां काली के रूप में भी तैयार मिलेगी कि सृष्टि को बचाने के लिए महिलाएं हमेशा करें। भयान दुर्भाग्य इस बात पर कि महिलाओं को जो पार्टियां रिजर्वेशन की बात करती है, हर पार्टी का एजेंडा है, जो बिल लोकसभा के अंदर जो हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक असेंबली की सीट है उनमें महिला आरक्षण की वकालत प्रत्येक दल करता है, लेकिन महिलाओं को विधायक और सांसदों में रिजर्वेशन अभी तक नहीं मिला। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगामी लोकसभा सत्र के अंदर मजबूती से महिलाओं को बराबर आरक्षण मिले, जिस तरह इसकी मेडिकल और दूसरी सेवाओं के अंदर 50% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है, वो राजनीति में भी आरक्षण जरूरी है, क्योंकि राजनीति से ही देश की दिशा और दशा तय होती है। और राजनीति में जब तक महिलाओं को बराबर का हक नहीं मिलेगा तब तक महिला शक्ति का उत्थान नहीं होगा। आज दुर्भाग्य इस बात का कि किस तरह आजादी के 75 साल बाद जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, दूसरी तरफ हमारी बहन बेटियों की इज्जत किस तरह सरेराह लूटी जा रही है, किस तरह हमारी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। भाइयों, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको कमर कसनी होगी और महिला शक्ति के साथ साथ हमारे छोटे भाइयों को भी माँ बहन बेटी के रूप में इनको जिस तरह हम परिवार का एक हिस्सा है उसी तरह इनकी मदद करनी होगी। लोगों को विचारों और सोच के अंदर बदलाव करना होगा। आज राजस्थान राज्य जो महिला अपराध के अंदर देश में एक नंबर आ गया, एक नंबर आने का कारण क्या रहा? नेताओं का, माफियाओं का गठजोड़ और नेक्स्ट राजस्थान के अंदर बन गया। गहलोत वसुंधरा के गठबंधन ने राजस्थान को घर पर डुबो दिया। आज हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, ये सुरक्षा की गारंटी हमें कौन देगा? हमें सुरक्षित राजस्थान चाहिए, हमें सुरक्षित देश चाहिए। आज सीमा पे भी हमारे प्रहरी सुरक्षित नहीं है। एक उम्मीद थी कि मोदी की सरकार आएगी तो सादत कम हो जाएगी, लेकिन हमने देखा पिछले आंकड़े 2014 से लेकर 2023 तक अगर सादत हुई है
तो पुरानी सरकार से ज्यादा ताकत बनी है, बहुत ज्यादा शहीद हमारे किसान के बेटे सीमा पर लड़ते लड़ते हो रहे हैं, और ये रोज ताकत की खबरें आप पढ़ रहे हो। सरकार फेल है, एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ मोदी है, जो भाषणों से काम चला रहे हैं। कितने लोकसभा में कह रहे थे जब कोरोना आया था हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आएगा, तब ऐसा लगा कि मोदी की बात होगी कि ऊपर किसी से कोरोना नहीं आएगा, और जब कोरोना चल रहा है और जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो जल के अभाव के अंदर कितने हमारे छोटे भाई ने दम तोड़ा, परिवार के परिवार उधर गए, बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए, गहलोत ने कहा कि वेंटिलेटर और वो रेमडेसिविर नहीं आए, दिल्ली में पैसा दिया, दिल्ली वाले बोले कांग्रेस सरकार फेल है। इस झगड़े के अंदर नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारा हुआ, बर्बाद हम हुए, हमारे बच्चे चले गए घरों से। आज कौन सी व्यवस्था आप बताए मुझे, हर एग्जाम पेपर आउट, आप देखिए किस तरह का अपराध हो रहा है। आज सारा सिस्टम पार्टियों में बच गया, आप पोस्टिंग के लिए एमएलए के दरवाजे पर किस तरह लोग खड़े हैं, और जो एमएलए की डिजाइन से थानदार लगेगा, एमएलए की डिजाइन से डीवाईएसपी लगेगा, वो एमएलए के कहने से ही काम करेगा, आम आदमी की सेवा नहीं करेगा। भाइयों 4 तारीख को जयपुर के अंदर आपने देखा होगा कि पुलवामा के अंदर हमारे जो शहीद हुए उनकी वीरांगनाएं राज्यपाल से मिलकर आई, और मुख्यमंत्री हाउस की तरफ जाने लगी, जब अपनी पीड़ा की पुकार कर रहे सीएम हाउस की तरफ बढ़ी तो किस तरह लाठ में जब पीटा गया, उन्हें घसीटा गया, और मुख्यमंत्री जी ने अभी तक उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ, उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब हमारी वीरांगनाएं सुरक्षित नहीं है, जब शहीदों का आश्रित और परिवार सुरक्षित नहीं है, तो राजस्थान और देश के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमें राजस्थान में मजबूत सरकार चाहिए, और मजबूत सरकार बनाने के अंदर हमारी माताओं बहनों की उतनी भूमिका है जितनी हमारे नौजवान और हमारे दूसरे भाइयों की भूमिका है, क्योंकि 50% वोट आपका लगता है। अगर आपने तय कर लिया कि हमें सरकार बदलनी है, तो सरकार बदलने से कोई रोक नहीं सकता। मैं महिला शक्ति का आह्वान करता हूँ कि जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, और अकेली लड़की रही, और आज भी इतिहास के अंदर याद है, प्रत्येक महिला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बढ़ के इस व्यवस्था को बदले, भ्रष्टाचार और अपराध का खात्मा करने के लिए अपने छोटे भाइयों के साथ निकल पड़े, तो भगत सिंह की भूमिका भाइयों के साथ पंचायत की बात करा सकता हूं। गलवान बनीवाल शुरू से संघर्ष करके जो मुकाम हासिल किया, हमेशा आपके लिए लड़ता रहा, गरीब के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए लड़ता रहा, और सत्ता का सुख छोड़ के अगर अपना पूरा जीवन सत्ती कौम के लिए समर्पित किया, स्टेट में मंत्री तक बच जाते, और जब देश का किसान तकलीफ पर था तो मोदी की सत्ता छोड़ के अगर 70 दिन सड़क पर कोई देश का शासन बैठा तो नामों का शासन था, सरकार को छोड़कर आके अपने भाइयों के साथ प्रस्ताव किया। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस सफल आयोजन के लिए अमृता जी और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मैं कुछ समय पहले आता आप सबके दर्शन करता, आज मेरे पारिवारिक कार्यक्रम थे, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं सुजानगढ़ जाऊंगा, आप सबके दर्शन भी करूंगा। इस सुजानगढ़ के इलाके ने उपचुनाव का तो बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया था, और हमारे सीताराम जी को लगभग 33,000 के करीब वोट दिए। ये सारी मंच पर जो टीम खड़ी है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, और इनको विश्वास भी दिलाता हूँ कि मेरी जहां भी आवश्यकता पड़ेगी एक टेलीफोन भी करोगे, हनुमान बनवाल हमेशा खड़ा मिलेगा, और मातृशक्ति को मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, हमारी बैर बेटियों की सुरक्षा के लिए
अगर कोई गोली हमारा सीना भी गिर जाए हमें इस बात का गम नहीं होगा। हमारी बहन बेटी सदैव देश के अंदर मैं विश्वास करता हूँ आंगनबाड़ी की हमारी बहनों को लोकसभा के अंदर मैंने आवाज उठाई कि कार्यकर्ता सहायिका को सहायिका जो भी है इनको परमानेंट करे सरकार। मिस्टर कोरोना के समय इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी, आज हमारे जितने भी पद खाली है चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर हो चाहे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट हो चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हो, हमारे नौजवानों के साथ साथ हमारी बेटियों के बहनों के पद भी सरकार को भरने चाहिए और महिला सुरक्षा की गारंटी निश्चित रूप से किस तरह हो और अपराध करने वाले महिलाओं पर दुराचार अपराध करने वाले लोगों को सजा फांसी पे कैसे लटकाया जाए ऐसा कानून कैसे प्रदेश करने पड़े। संतराम सिंह महिला दिवस में पूरे हमारे जो दिशा शेखावती एनजीओ है इसको बधाई देता हूँ, सारी मातृशक्ति को बधाई देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि महिलाओं की जो भी समस्या है वो तमाम राजस्थान के अंदर आप लोग तय करें और मुझे बता दें निर्माण जी हमारी महिलाओं की यही समस्या है राजस्थान के अंदर है। मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, लोकसभा का स्तर तक चलेगा, विधानसभा चलेगी। मेरे तीनों विधायक जिनमें एक महिला विधायक भी है वो शुरू कर से आती है, आपने देखा वो अनपढ़ महिला इससे कभी छोटा भी नहीं होगा जो राजस्थान की विधानसभा में जाएगी, उसको वहां भेज के शुरू कर की महिला को भेजने का सपना अगर पूरा किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी महिला विधायक विधानसभा में भेजा और उस महिला विधायक जो बंजारों में घर उजड़ रहे थे तो पुलिस से टक्कर ली, सरकार से टक्कर ली, मुकदमे दर्ज किए और हमेशा न्याय के लिए गरीबों के लिए हमेशा सड़क पर बैठी मिलती है। भाई मेरा प्रयास भी नहीं रहेगा कि महिलाओं को बराबर का अवसर मिले, सम्मान मिले। जिस समाज और संस्कृति के अंदर महिलाओं का सम्मान होता है वही समाज और संस्कृति आगे बढ़ती है। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है ना महिलाओं का सम्मान होता है। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले क्रोधों की भांति हर लड़ाई हार जाते हैं और महिलाओं का सम्मान करने वाले पांडवों की भांति वो हर लड़ाई को जीते हैं। महिलाओं का सम्मान निश्चित रूप से आप सबको करना है। मैं बधाई दूंगा पूरी आपकी टीम को, देरी से आया समाज क्रांतियों, आगे आप जो भी स्टेज करेंगे पूरे राजस्थान में हमारी पूरी टीम कंधे से कंधा मिला के आपकी जितनी भी समस्याएं मैं आज तमाम राजस्थान के हमारी वीरांगनाओं को चाहे वो पुलवामा के अंदर थी या रोड पे लड़ते हुए अगर कोई हमारे भाई ने साधक थी या पैरामिलिट्री फोर्स के भाई ने साधक थी, तमाम राजस्थान के अंदर वीरांगनाओं के जो भी मामले सरकार के अंदर जो पेंडिंग पड़े उन सबसे मिलके उन सबको साथ लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहित वीरांगनाओं के लिए आगामी दिनों के अंदर बड़ी लड़ाई लड़ेगी और सरकार से जो जो घोषणा है वो पूरी कराने का वचन आपको मेरा राष्ट्रीय महिला दिवस पर देता हूँ। मैं पुणे आप सबको बधाई देता हूँ अच्छे कार्यक्रम के लिए और मुझे आपने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, इसके लिए आपके एनजीओ को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।